हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एकाधिकेन पूर्णेन विधि या मेथड। इस मेथड से भी हम मल्टीप्लाई करना ही सीखेंगे। इस मेथड को यूज करने के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे गया है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द सम ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द टू नंबर्स इज 10 एंड द रिमेनिंग डिजिट आर द सेम। का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखा दिख रहा होगा 12 × 18। तो पहला कंडीशन ये है कि यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है उनका सम 10 के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 है यूनिट प्लेस में और यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों को जब अपन सम करेंगे तो वो 10 के इक्वल हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन ये है कि इनका जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेम होने चाहिए। दोनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखना, राइट साइड के आंसर लाने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में जो नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में है 2 और यहाँ पे है यूनिट प्लेस में है 8, तो 2 × 8 = 16। तो राइट साइड का आंसर आ जाएगा हमारा 16। अब अपने को लेफ्ट साइड का आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसका 1 मोर देन करना रहेगा। जैसे कि 1 है तो 1 मोर देन मतलब 1 = 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का इस 1 में प्लस करना रहेगा, फिर प्लस करने के बाद इस टेंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 1 में पहले 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 से, तो आंसर क्या जाएगा 2 × 1 = 2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 12 × 18 का आंसर आ जाएगा 216। ठीक है दोस्तों, एक और समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 21 × 29। तो सबसे पहले अपन चेक ये कर लेंगे कि इनके यूनिट प्लेस को सम करेंगे तो वो क्या 10 के इक्वल होगा कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे 1 + 9 = 10, सो 10 हो गया। अब सेकेंड कंडीशन ये था कि जो रिमेनिंग डिजिट है वो सेम होने चाहिए, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एकाधिकेन पूर्णेन मेथड से। आइए देखते हैं, राइट साइड आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, जो इनका यूनिट प्लेस है उनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 9 = 9, बट यहाँ पे ओनली 9 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे हम साथ में पेयर में लिखेंगे 0 9। और फिर लेफ्ट साइड आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा उसमें प्लस 1 करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 था तो प्लस 1 कर दिए तो वो हो गया 3। अब यहाँ पे जो नंबर है 2 उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड के प्लेस में लिखेंगे। तो हमारा 21 × 29 का आंसर आ जाएगा 609। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 102 × 108। इसमें भी पहले चेक कर लेंगे, यूनिट प्लेस को जब सम करेंगे तो वो 10 के इक्वल हो रहे हैं। 2 + 8 = 10 हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। रिमेनिंग जो डिजिट हैं वो इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 हो रहा है, यहाँ पर भी 10 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, मतलब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट साइड आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 × 8 करेंगे, 2 × 8 = 16। अब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर रहेगा उसका वन मोर देन करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का 1 मोर देन मतलब 11 हो जाएगा, फिर इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 10 लिखा हुआ है उसके साथ, और इनका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे हम लिखेंगे 10 × 11 = 110। सो हमारा 102 × 108 का
आंसर आएगा 11016।